वो स्कूल नहीं चलाता सर, वो तो एक ऐसा अड्डा बना रखा है उसने कि टीचरों को रखता है, अफसरों के पास अपने मुंह से बोलता है कि मैं तो अफसरों के पास भेजता हूँ। अच्छा मैंने तो सर जिस दिन मेरे साथ ये गलत काम हुआ था, मैं तो अगले दिन स्कूल ही नहीं गई थी। अच्छा उसके बाद मेरे पे दबाव आया कि अगर आप स्कूल में नहीं आएगी तो तेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उन्होंने तो मतलब मुझे इतना डराया भी तेरे लड़के को मरवा देंगे, तेरे घर वाले का एक्सीडेंट करा देंगे, बहुत ज्यादा मतलब मेरा हरासमेंट करी। अच्छा एक चीज और बहन तुमने जी मारी है भाई, जो प्रताप पब्लिक स्कूल है जिसके जो ओनर हैं अजय भाटिया, जिनके ऊपर अपना आरोप लगाए हैं, तो वहाँ और भी महिलाएं हैं जो लड़कियां पीड़ित हैं, कुछ इस तरह की बात सुन में आई है, इसमें कितनी सच्चाई है? राजबक्श की, शिव गोंदर की, संजीव मंगलोरा की, एसपी की, सबकी कॉल रिपोर्ट निकलवाओ पिछले 3-4 महीनों की, आपको पता लग जाएगा कि ये एक दूसरे के संपर्क में थे। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो तो बाहर ही है, और मेरे को ट्रैक करके फंसा के जेल के अंदर करवा दिया, और मैं जमानत पर बाहर हूँ। मैं तो उनसे उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाएं, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, मुझे न्याय दिलाएं बस। मतलब आप यदि निष्पक्ष जांच होने लगे और सीबीआई जांच हुए और आप यदि दोषी पाए जाते हो तो सजा भुगतने के लिए आप तैयार? बिल्कुल सर, मैं दोषी हुई नहीं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उधारा देसी पत्रकार कर्म हूँ, इस टाइम अपने दर्शकों के लाइव जुड़ गया हूँ। और जो करनाल है सीएम सिटी है, इसमें हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला जो है उसमें नया मोड़ आने लग रहा है और बात आज तक सुन में आ रही है, अभी पॉलिटिकल प्रेशर पीछा का चक्कर में न्याय दबण लाग रहा है, न्याय मरण लाग रहा है, तो उसमें नए नए मोड़ आए हैं। इस टाइम फिलहाल मेरा ओड़ा हाथ का नहीं, लेफ्ट साइड बाएं हाथ में बैठे हैं ब्राह्मण धर्मशाला है करनाल की, उसके प्रधान हैं सुरेंद्र बड़ोता जी, और मेरा जो राइट साइड है सज्जा हाथ का नहीं बैठे हैं, जो पीड़ित पक्ष है, जो महिला है उनके पिताजी हैं, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी, आप भी राम राम कर, राम राम जी। फिलहाल मेरी कोशिश थी कि भाई जो पीड़ित महिला है उसने हम कैमरा पहले कहा हुआ, लेकिन हम वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शकों तक उस चीज़ का राजपद पर्दा उठावेंगे भाई, वास्तव में महिला गेल ओया के था और के वो काम तो नहीं भाई, बात कुछ और थी, बनाया दी कुछ और, बात दिखा सांप बनाने वाली बात तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ की आप देसी पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल मैं महिला को वीडियो कॉल पर लाइव लेंगा। तो इस टाइम जो करनाल में हाई प्रोफाइल जो गैंगरेप मामला हुआ है उसकी जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित महिला खुद वीडियो कॉल में हमारे मौजूद हैं और अपनी जुबानी बताऊंगे। तो बहन जी जो ये वाक्य हुआ है इस मामले में, हालांकि देखो आप अपनी बात रखोगे और फिलहाल प्रशासन की तरफ आप बात करा, सरकार की तरफ आप बात करा, तो मामला कुछ और डालकर सुन में आया है और है कुछ और, तो आप क्या कहना चाहोगे कि कुछ लग गया जो कार्रवाई करी गई है उस तक आप कितना संतुष्ट हो? राम राम भैया, पहले तो आपको आपका धन्यवाद सर। जो कार्रवाई हुई है उससे मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। देखो, जो जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो तो बाहर ही है, और मेरे को ट्रैक करके फंसा के जेल के अंदर करवा दिया, और मैं जमानत पर बाहर हूँ। मैं तो उनसे उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब जिस तरह मन्ने जो जानकारी है नु सुन में आया कि 2018 तक चल रहा था इस तरह का मामला, और फिर जून 2020 में आपने शिकायत दर्ज कराई, तो इसके बीच में पहले शिकायत दर्ज कराने का कोई मौका नहीं मिला आपने? सर मैंने उसके बीच में कराई नहीं, मेरी मजबूरी थी, मेरा परिवार था, देखो मेरे बच्चे बड़े वाला, उसका करियर का सवाल था, सारा कुछ देख के मैंने टाप के बैठी रही मैं अपनी इज्जत के कारण। तो किसी तरह का लालच दिया करते आपको वो? लालच तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब दबाव था बहुत ज्यादा भी, अगर छोड़ के गई तेरे घर वाले को, तेरे को सबको अंडर करा देंगे झूठे केसों में। अच्छा मतलब आपने ये कहा था बीच में भी मैं छोड़ के चले जाऊंगी, ये यहाँ नहीं रहना मेरे को, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? मैंने तो सर जिस दिन मेरे साथ ये गलत काम हुआ था, मैं तो अगले दिन स्कूल ही नहीं गई थी। अच्छा उसके बाद मेरे पे दबाव आया कि अगर आप स्कूल में नहीं आएगी तो तेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उन्होंने तो मतलब मुझे इतना डराया भी, तेरे लड़के को मरवा देंगे, तेरे घर वाले का एक्सीडेंट करा देंगे, बहुत ज्यादा मतलब मेरा हरासमेंट करी स्कूल के अंदर। मतलब आपको प्रेशराइज कराया और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी गई बच्चों के नाम पे, परिवार के नाम पे। तो बिल्कुल सर, फिर आपने किसी महिला आयोग में या लिखित में शिकायत कब दर्ज कराई पहली बार? सर मैंने तो पहली बार तो इनके, जब हमारे उन्होंने मतलब मेरे को साथ ज्यादा वो करा, तो हमने मैंने अपने हस्बैंड को 20 जून को बताया। अच्छा 20 जून के बाद जैसे
अब आप ही देखो भी इतने बड़ा परिवार है हमारा, इज्जतदार परिवार है, सोचता ही है बंदा भी क्या करे क्या ना करे। 5-7 दिन तो हमने सोचा भी इनकी कंप्लेंट करे ना करे, इतने बड़े लोग हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोले भी नहीं, हमें हमें न्याय लेना है तो हम इनकी कंप्लेंट करेंगे। जब इनको कहीं से पता लगा कि हम लोग इनकी कंप्लेंट करने वाले हैं तो उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर डाला भी कोई कंप्लेंट नहीं करनी तुमने। जब कहा भी हम करेंगे तो इन्होंने हमसे पहले 5 तारीख को हमारे खिलाफ डाल दी संडे के। अभी ये नहीं पता तुमने रात को डाली है या बैक डेट में डाली है, मुझे इस बारे में नहीं है, लेकिन हमने 6 को डाली है, 6 जुलाई को। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारे ऊपर प्रेशर ही है इस बात के लिए कि तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होना, हमारा तुम बिगाड़ पाओगे। सर हम कहते थे सर ये डीसी और एसपी हमारी जेब में है। अच्छा, पैसे वगैरह देने की भी आपको इन्होंने कोई पेशकश करी भी पैसे दे देंगे, चुप हो जाओ बैठ जाओ, इस तरह की कोई? ऐसा है, जब ये शिव गोंदर आया बीच में बहुत तरह की बातें हुई है भाई, उसने कम्पनसेट कर देंगे, ये कर देंगे, सब तरह की बातें हुई है। अब उन बातों के बीच में क्या आप तो क्या बातें कह रहा है, क्योंकि इतना दबाव डाल दिया था मेरे ऊपर, मेरे तो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। मतलब बहुत ज्यादा अड़ी गई इस मामले में, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन उन्होंने मतलब अपनी पुरजोर कोशिश करी भी इसको दबा के बिठा देगा। तो आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं भाई, हनी ट्रैप मामला, जिस तरह अभी आपको आप इस टाइम जमानत पे आए हुए हैं और न्यूज सुन में भी आई है भाई, हनी ट्रैप केस को जोड़ा गया है, इसमें कितना क्या सच्चाई है भाई? आपने पैसे लेने के लिए इस तरह का एक जाल बुना है? सर आपके माध्यम से मैं एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 21 तारीख की ना आप लोग सारी जगह की करनाल की ये अपने कोर्ट से लेके पार्किंग से लेके और पुलिस थाने तक की सारी सीसीटीवी फुटेज मांग लो, और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इन्होंने मेरे को कैसे फंसाया। इन्होंने मेरे ऊपर मतलब वकील संजीव मंगलोरा वो शिव गोंदर का दोस्त है। अच्छा अच्छा, और आप कॉल डिटेल निकालो इनकी, अजय भाटिया की, राजबक्ष की, शिव गोंदर की, संजीव मंगलोरा की, एसपी की, सबकी कॉल डिटेल निकालो पिछले 3-4 महीनों की। आपको पता लग जाएगा कि ये एक दूसरे के संपर्क में थे और सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश थी भी, जब मैं नहीं दबी भाई, मैं तो अपने केस में न्याय चाहिए मुझे, चाहे आप लोग मुझे कोई लालच दो, मुझे किसी लालच की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे परिवार से हूँ। बस वो एक की बात जाता था शिव गोंदर भी कि ऐसा है बहन जी, आप अपने घर वाले ना नौकरी कर दे दो, आप अपने मामले में आराम से बैठे हो। अब उन्होंने यही कर पाया नीचता का काम। तो फिलहाल कोऑपरेट किस किसने करे आपको? हालांकि इस टाइम तो जो कार्रवाई हुई है उसके हिसाब से तो आप फुल असंतुष्ट हो, फिर भी कोई सपोर्टिव कौन कौन रहा आपका इसमें, किसका साथ मिला आपने? सर मुझे समाज का, मीडिया का, एक एक उस बंदे का जिसने मेरे लिए दुआ की कि ये लेडी बाहर आनी चाहिए, इसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करा रखा, उन सब ने मुझे कोऑपरेट किया है। तो यहाँ का जो प्रशासन था, फिलहाल मैंने जानकारी मिली है, कल ट्रांसफर हुई है एसपी साहब का, जो पहले एसपी थे उनका तबादला हो गया, नए एसपी आ गए हैं गंगाराम पुनिया जी, तो ये बात में कुछ उम्मीद है? एसपी चेंज हो गए यहाँ करनाल के? अच्छा जी, तो ये बात में कुछ उम्मीद है, क्योंकि हमने जो संभावना लग गया, जो युवा वाला प्रकरण जिपता चल रहा था, तो एसपी को भी चेंज कराया गया ही बड़े, तो आपने कुछ उम्मीद है जो नए एसपी आए हैं उन तक कोई अपील रिक्वेस्ट करना चाहते हो आप? बिल्कुल सर, मेरी रिक्वेस्ट है, इन्होंने अपने पुलिस फाइल में ये लिखा हुआ है हस्बैंड वाइफ के बारे में कि बोथ वर अरेस्टेड इन पार्किंग एरिया, पर लेकिन सर मेरे हस्बैंड तो मेरे पीछे पीछे आए हैं देखने, पहले महिला थाने में गए हैं फिर सिविल में गए हैं, और उसके बावजूद उसके बाद सर वहां पर अजय भाटिया आता है सिविल लाइन में 3-4-5 बजे के करीब, और उसको एसएचओ से और चाय खिला रहा है, और हमारे को जो हम निर्दोष है हमें कमरे में बंद कर रखा है अलग अलग, और हमारे बच्चे की भी हरासमेंट करी 8 से 10 घंटे। तो आपके आरोप क्या क्या है फिलहाल, जिस तरह आपने न्याय नहीं मिला, तो किस किस तरह का आपने शक जाहिर हो रहा है? अभी पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें, पीछे की बात करें, इस तरह की कोई बात आपने आशंका नजर आवे? सर पॉलिटिकल प्रेशर तो देखो सारा ही है, आपको भी पता है, और आशंका मुझे सारी आशंका ये है, पुलिस इनके साथ लगी हुई थी, और अब मुझे एसपी साहब से ये अनुरोध है मेरा कि प्लीज मेरे जो ये जो इन्होंने हनी ट्रैप का मामला झूठा बनाया है ना, इसमें संज्ञान ले, और सारी सीसीटीवी फुटेज और ये सब कॉल डिटेल वगैरह देखे और मुझे न्याय दिलाए। अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहन जी सुनने में आया है अब भाई आप सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हो, इसमें बिल्कुल मैं तो सर सारी मांग मैंने तो शुरू दिन से ये कहा है कि मुझे इस पुलिस पे भरोसा नहीं है सर, जिस पुलिस ने, मैंने बार बार ये बात कही है एसएचओ को भी
कि मुझे ना एसपी साहब से मिलने दो, मैं अपनी बात उनको रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने बार बार कहा, शिव गोंदर ने ये कहा कि मैं बैठा हूँ, जो रेल चलेगी मेरे ऊपर से चल जाएगी। अच्छा। मैं बैठा हूँ। आप कॉन्फिडेंस ले लिए? हाँ, कोई एसपी, कोई डीसी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपकी जो जांच है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का, आपकी जांच ट्रांसफर कर दी कैथल जिले में, तो आपने डिमांड रखी थी प्रशासन को, सरकार को? ने कोई डिमांड नहीं रखी ना, हमने तो ये कहा है इसमें निष्पक्ष जांच हो, और हरियाणा पुलिस पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। तो कैथल ट्रांसफर होगी आपकी जांच, उसमें किसका हाथ लगा है? आपको भी, आपने तो अपनी तरफ से, क्योंकि आपने तो, आप तो शिकायत करता है, आपने कहा को नहीं भाई मेरी जांच कैथल पुलिस तक करवाई जाओ, तो किसके काम है आपने के इलाके? सर, आप हमने तो देखो कहा नहीं सर, अब शासन प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, उन्हीं की कार्रवाई होगी, हमने तो देखो कहा नहीं। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रही है भाई, जो प्रताप पब्लिक स्कूल है जिसके जो ओनर है अजय भाटिया, जिनके ऊपर अपना आरोप लगाए हैं, तो वहाँ और भी महिलाएं हैं जो लड़कियां पीड़ित हैं, कुछ इस तरह की बात सुनने में आई है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ऐसा है, जब तक मैं वहां पर थी, देखो मेरे साथ सारी बातें होती थी, तो मैं उनको ये कहती थी तुम मेरे साथ लगो, मैं भी करती हूँ उनकी कंप्लेंट, उस टाइम सब मेरे साथ थी। अब मुझे ना तो वो स्कूल में बात करने देंगे सर, ना मेरा कोई फोन उठाएगा। आप लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप लोग जाके पूछ सकते हो, पुलिस पूछ सकती है, और वहां से सबूत निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। सर वो स्कूल नहीं चलाता सर, वो तो एक ऐसा अड्डा बना रखा है उसने कि टीचरों को रखता है, अफसरों के पास अपने मुंह से बोलता है कि मैं तो अफसरों के पास भेजता हूँ। अच्छा, एक चीज हो रहा है, आप सीएम सिटी में बैठे हो, सीएम सिटी करनाल है, तो मुख्यमंत्री जी तय कोई अपील, हालांकि सरकार की सबसे बड़ी योजना का नाम भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिलहाल जो हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं, ये जो प्रकरण है, ये जो मामला सामने आया है, आई प्रोफाइल गैंगरेप मामला, इसमें आप मुख्यमंत्री जी तय के कहना चाहोगे? सीएम सिटी करनाल में आप हो, तो मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करनी हो आपने, उप मुख्यमंत्री सिंह चौटाला से कोई अपील करनी हो, गृह मंत्री अनिल विज से कोई अपील करनी हो? सभी से ये अपील करती हूँ अपनी कि मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाएं, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, मुझे न्याय दिलाएं बस। मतलब आप यदि निष्पक्ष जांच होने लगे और सीबीआई जांच हुए और आप यदि दोषी पाए जाते हो तो सजा भुगतने के लिए आप तैयार? बिल्कुल सर, मैं दोषी हुई नहीं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ मैं सजा भुगतने के लिए तैयार। जी जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पीड़ित महिला जो है आई प्रोफाइल गैंगरेप मामला जो करनाल में हुआ, बहन जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपनी बात, मैंने जितनी मेरे दिमाग में थी बात, मेरी कोशिश रही पड़ताल में आप राज तय पर्दा उठावा और बेरा पटे असली कसूरवार कौन है। फिलहाल जो ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान हैं सुरेंद्र बड़ोता जी, वो मेरे गले मौजूद हैं, इनते पूछेंगे, क्योंकि लगातार समाज की तरफ से ये जानते रहे हैं और प्रदर्शन भी हुए हैं। फिलहाल एसपी भी आड़े चेंज हो गए जी, प्रधान जी, तो पहले तो मेरे दर्शकों राम राम कर दो। राम राम जी। जी, एसपी भी चेंज हो गए, आपने कितना को ऑब्जर्व करे ये मामला, के लग गया जी कड़े गड़बड़ है, मतलब के मामला? देखो ऐसा है जी, दो ढाई महीने से मुकदमा दर्ज है। अच्छा। आज तक शासन और प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा पीड़ित लड़की को ही ट्रैपिंग करके उसको झूठे केस में फंसा दिया। जो दो ढाई महीने से यही प्लानिंग थी पुलिस की, अगर पुलिस ने जो निष्पक्ष जांच करती तो इसमें दोषियों को आज तक है ना कभी भी पुलिस नहीं बुलाया, उनसे पुलिस में नहीं बुलाया, कोई पूछताछ नहीं की। अच्छा, जो जांच हो उसमें इनको शामिल नहीं करते जिन पर आरोप लगा के? ना जी, बिल्कुल आज तक नहीं बुलाया। अच्छा। उल्टा इसको इसको है ना जो कंप्लेनेंट है पीड़ित लड़की है इसको परेशान करते हैं और झूठे केस में हनी ट्रैप में इसको ही फंसाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार में जब यह बेटी को झूठे केस में फंसा दिया, पीड़ित परिवार हमारे पास आया, जिला करनाल ब्राह्मण सभा के पास आया अपना प्रार्थना पत्र लेकर के, देखो हमारे साथ जाति हो रही प्रधान जी, हमारे को है ना हमारे साथ खड़े होकर न्याय दिलवाओ। मैंने अपनी सभा की आपातकालीन बैठक बुलाई 9 तारीख को, 9 सितंबर को, 9 सितंबर में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य, कॉलेजियम मेम्बरान और मौजूद आदमी समाज के इकट्ठे हुए। उन्होंने जो बलबीर शर्मा जी हैं लड़की के पिताजी, इन्होंने अपनी आवाज़ रखी, इन्होंने अपनी गुहार रखी, अपनी प्रार्थना करी समाज से, भाई मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, आप समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, और उल्टा उसको झूठे केस में फंसा दिया है, आप हमारा साथ दो, हमें शंका है वो हमारे सारे परिवार को फंसा देंगे। तो जितनी भी जो भी कार्रवाई हुई, लगभग आपकी जो लैंग्वेज में देख रहे हूँ असंतुष्ट हो आप, बिल्कुल जो भी हुई, तो अगला कदम किया आप लोग? तो हमने उसके बाद है ना जी 9 तारीख को है ना अल्टीमेटम दिया था शासन और प्रशासन को 48 घंटे का, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उससे दुविधा होकर समाज ने
36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर के 11 सितंबर को सीएम के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दिया, जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। उसमें हमने डिमांड रखी थी जो यहाँ पर तहसीलदार है राजबक्स, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जो अजय भाटिया है स्कूल का मालिक है, इसका दोस्त है, हाँ जी हाँ इसका दोस्त है, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से इनको अरेस्ट किया जाए ताकि पीड़ित परिवार पीड़ित बच्चे को न्याय मिले। लेकिन लेकिन आज तक शासन और प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा एसपी करनाल ने अपनी खुद की रिक्वेस्ट दे करके आईजी से मिल करके इसको है ना मुकदमे को बदलवा दिया। लेकिन कर्मु भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, कंप्लेनेंट ने कोई गुहार नहीं लगाई, रिक्वेस्ट नहीं करी, और के इसको जो मुलाजिम है ना मुलजिम है जो दोषी है इनने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, उसके बावजूद एसपी ने खुद अपने इसको बदलवा दिया। इससे क्या समझते हैं भाई, ये पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा? जो आईजी मैडम है डायमिन ने सिर्फ, तो यही वही आईजी थी जब डायमिन ने से यहाँ नहीं कोई कार्रवाई हुई, वो अभी पुलिस इसके अंडर है, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं वो उस पुलिस से कार्रवाई होगी? एसपी तो चेंज हो गया, पर एसपी चेंज होने से कार्रवाई नहीं बनती। हमने हमारी कोई एसपी चेंज सेवा नहीं था, हमारी तो डिमांड थी जो जो एसआईटी एसपी ने गठित करी थी, जो एसपी ने कोताही बरती है इसमें वायरल हो रही है पैसे का लेन देन की भी। अच्छा। उस पैसे को लेन देन खत्म करने के लिए, हजम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मिलकर यह केस को ट्रांसफर किया है। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ, समय रहते या तो दोषियों को गिरफ्तार करें, अन्यथा हम अब ब्लॉक सत्र पर जिला करनाल ब्राह्मण सभा अपने कॉलेज मेंबरान के साथ, कार्यकारिणी के सदस्य के साथ और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ जा रही है, 36 कौम 36 बिरादरी से अपील कर रही है, एक जोरदार प्रदर्शन हम जल्दी करेंगे, या तो ये अरेस्ट कर लेंगे, नहीं तो एक दो दिन में हमें ना उसकी जो तिथि घोषित करेंगे उसकी प्रदर्शन की, वो आपके चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और उसमें हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे, सोए हुए प्रशासन को और सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। तो नए एसपी आए उन तब मिलोगे अब आप लोग? देखो तो क्योंकि सुनो करमु भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नए एसपी के हाथ में नहीं है अभी ये जांच, यानी कथर पुलिस को चेंज कर दिया, अब हम आईजी को मिलेंगे, आईजी को से बात करें, जो प्रदर्शन होगा आईजी के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ होगा। तो फिलहाल जो ब्राह्मण धर्मशाला है इसके जो प्रधान है सुरेंद्र बड़ोता जी, इनने भी दो टूक कह दी है भाई, न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़े प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, और फिलहाल पूरा का पूरा मामला में एक चीज जरूर लिकड़का रही है, एक कहावत है दुम्मा उड़ते लिकड़ा कर जड़ा ऐग हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी वाला एसीपी प्रद्युमन वाली बात है जी, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से जो पीड़ित है उसने बिना अपील करे केस कैथल ट्रांसफर कर दिया, उसने कोई नहीं करी अपील करी थी भाई मेरा केस कैथल लेके जाया जाए, जब जांच हो है जिनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं जांच में वो लोग शामिल नहीं पाए जाते, तो कई तरह की ऑडियो वायरल हो रही है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर और पीछा का खेल में न्याय दबण लग रहा है, न्याय मरण लग रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सबसे बड़ी योजना है सरकार की, तो उसने उसके ऊपर एक बट्टा लगने लग रहा है भाई, निष्पक्ष जांच होगी अक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देसी पत्रकार मेरे के लिए जुड़े, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान।